इतना बड़ा स्टार यहाँ क्या कर रहा है भाई? अरे सामान ढोआ रहे हैं भैया, क्या कर रहे हैं? ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है, इतना बड़ा स्टार हमें यहाँ मिला। अरे भैया हम सामान नहीं उठाएंगे तो क्या उठाएंगे, तुमको उठा लें। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही है, पूरी फिल्म आई कितने साल हो गए लेकिन आप लोग इसकी पब्लिसिटी आज तक क्यों कर रहे हो? अरे आप जिसकी बात कर रहे हैं वो है अमिताभ बच्चन और हम है उनके हम शक्ल, समझे? हम शक्ल तो डुप्लीकेट हो। गाली मत देना साहब, वरना 4 फुट दूर से मारेगा 6 फुट पेट के अंदर कर देगा। शक्ल क्या देख रहे हो, सामान उठाओ। नहीं बेटा, हमें इस दिल अंदर का सामान नहीं उठाना, और तुम लोगों में से कोई भी इसके सामान को हाथ नहीं लगाएगा। चल बे, उठा अपना सामान और खाली कर प्लेटफॉर्म। चल चल, निकाल निकाल निकाल, हमारे चाचू ने बोल दिया। पाए लागो चाचू। जीते रहो बेटा, जीते रहो। और सुनाओ, वो तुम्हारा दोस्त कैसा है, गोविंद? अरे कहाँ पर होगा, वही बस स्टैंड पे सामान उठा रहा होगा। अरे मैं बर्बाद हो गया, मेरा करोड़ों रुपया पानी में डूब गया। क्या बात करते सर जी, मैंने क्या किया आपके साथ में? क्या किया? अब क्या नहीं किया तूने? मैंने लाखों रुपए देकर तुझे साइन किया है अपनी फिल्म के लिए, और तू यहाँ कोड़ी का बोझा उठा रहा है? अगर लोगों ने देख लिया तो मेरी फिल्म कौन देखेगा? अबे हटेले, तेरे को प्रोड्यूसर का कार्ड किसने दिया? तेरे को डुप्लीकेट ओरिजिनल में फर्क नहीं लगता? एक मिनट, मैं अपना चश्मा लगाना तो भूल ही गया था। अरे हाँ, ये तो डुप्लीकेट है भाई। ओ सेठ जी, डुप्लीकेट है तो क्या हुआ, एक दिन पिक्चर में काम देके देखिए, कमाल कर देंगे। अब तेरी नतीजे, रुक जा, जाने देना। अरे चाचू तुम्हें पता ना उसने? अरे मैंने सब सुना, क्यों बिना मतलब पंगा कर रहा? और वो तेरा दोस्त अमित कैसा है? वो एकदम ठीक यार, पता नहीं ये छोटे कहाँ जाके मर गया, कब से इंतजार कर रहा हूँ अभी तक नहीं पहुंचा है। इसको तो मेरी फिक्र है ही नहीं। हाँ बोलिए भाई साहब, आइए साहब, एक रुपया दे दो साहब। देखिए भाई साहब, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, हमें परेशान मत करिए, यहाँ से जाइए। साहब 2 दिन से खाना नहीं खाया है साहब, खाना खिला दो। तो मैं क्या करूँ, खाना नहीं खाया है तुमने? साहब मेरी शर्ट फट गई है, मेरी शर्ट सिलवा दो साहब। यहाँ जहर खाने को पैसा नहीं है, तुम पैसे की बात कर रहे हो, शर्ट की बात कर रहे हो, दिमाग खराब हो गया, निकलो यहाँ से, जा जा। तो साहब मेरे साथ चलो ना साहब। कहाँ चले साहब? भीख मांगने साहब। बस साले, भीख मांगने की बात कर रहा, चल बैठ। हम सब एक मांगने की बात कर रहा है, दिमाग खराब कर रहा है। आइए, कब से मैं आपका यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ, आप हैं कि अब आ रहे हैं? देख छोटे, एक मेरी बात सुन, मैं यहाँ पे किसी कीमत पर रुकने को रुकने वाला नहीं हूँ, समझा? अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगा। क्या बात करते हो यार, इस जगह पर हमारी पहली मुलाकात और दोस्ती हुई है। आ चल। कहाँ चले? कहाँ चले यार, यहाँ चले। चल अल्लाह के नाम पे दे दे माई। ए रुक, दुआ तो देता जा। थारी में बैठी और क्या, चांद पे बैठेगी? चल जा। हाय हाय, आला बाबा बाबा, आपने मुझे पहचाना? नहीं। अरे अभी तो छोड़ के गया था आपको। बस ये बताइए कि आप क्या कर रही है? हम ले चले। तो बैठिए ना, आइए बैठ जाइए। कौन सी जगह छोड़ दूँ आपको? पार्क। बाप बाप बाप, पार्क। चलो
क्यों रुकवा रही हैं? कहाँ जा रही हैं? सुनिए तो मेरी बात। अरे कहाँ जा रही हैं आप? क्यों रुकवा रही हैं? कहाँ जा रही हैं? सुनिए तो मेरी बात। अरे कहाँ? बात तो सुनिए आप। आप तो चले गए। अरे ये लड़का कौन है? दिमाग खराब कर दिया। क्या है बे? आती क्या खंडाला? अबे कौन हो तुम दोनों? अबे ड्रेस से नहीं लगता, शक्ल तो नहीं लगता। बस खुली ट्रेन खुली, बस खुली ट्रेन खुली, बस खुली ट्रेन खुली, बस खुली ट्रेन खुली, बस खुली ट्रेन खुली। तो अबे लड़की तो छेड़ रहा था, तुम दोनों का क्या जा रहा था? अबे मैंने इसलिए मारा कि हमारे होते हुए तू हमारी बस्ती की लड़की को छेड़ देगा, मार डालूंगा तेरे का। अबे हो तो डुप्लीकेट और मार ओरिजिनल की तरह रहे हो। क्या माज रहा है ये? शन्नो दीदी मेरे से बोली। क्या बोली? तू मुझे छेड़ना, मैं तेरे को 100 रुपए दूंगी, फिर तू जाकर फिल्म देखना। माय नेम इज खान। अबे तू हमारे हो तो वो किंग खान देखेगा? मैं देखूंगा, मैं देखूंगा, मैं तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ देखूंगा। अगर उसकी टिकट नहीं मिली तो बड़े नवाब छोटे नवाब देखूंगा। इधर नहीं 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 इधर आजा आजा मेरी जान। ये ले 20 रुपया और जाके हमारी फिल्म देख, ताली मारियो। निकल ताले। शन्नो तुम कहाँ जा रही हो? आरती का टाइम हो गया है, मंदिर जाना है। पूजा करने जा रही हो? चप्पल चुराने? मैं तुम्हें क्या चोरनी दिखती हूँ? बे चोरनी हो या मोरनी, माजरा क्या है ये बता हमको। तुम्हारे दोस्त बसकुली ने कहा। अब आप बड़े झूठ बोल रही है। अब टेंशन मत ले, मैं ऐसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ। अभी तक कोई ऐसी लड़की नहीं बनी जो हमारी दोस्ती में दरार डाल सके, समझेगी? ए बस कुली ट्रेन कुली, तुम दोनों को अपनी दोस्ती पे बहुत घमंड है। भाई हाँ हाँ आएगी कोई ना कोई, मैं नहीं तो कोई और सही। अबे चल 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 निकल अरे निकल। ये हुर क्या कर गई? छोटे मामू। मॉर्निंग रति बेटे। गुड मॉर्निंग करिश्मा बेटे। कितनी बार आप लोगों को कहा है कि मेरा नाम हेमा है, हेमा। बार बार आप मुझे कभी रति कभी करिश्मा क्या क्या नामों से बुलाते रहते हैं। ओह बेटा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम शादी के लिए तैयार हो ना? और नहीं तो क्या, मैं कोई हिंदी फिल्मों की हीरोइन हूँ जो पहले बोलोगी नहीं मामा मैं नहीं शादी करूंगी, फिर शर्मा के कहेगी हाँ मैं तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, पंडित जी को बुलवाते हैं। अरे राम श्री राम। वाह क्या स्टाइल है। ये बहुत पुराना है लेकिन आज भी हिट है जजमान। हाँ तो पंडित जी आपने हमारी बेटी की जन्म कुंडली देख ली या? अरे राम श्री राम, अगर आप मेरे कहे अनुसार अपनी बेटी की शादी कराएं तो आपकी बेटी जिंदगी भर अपने पति को अपनी उंगली पे नचाती रहेगी। हाँ बात कर रहे हो पंडित जी, हमारी बेटी की उंगली कोई स्टेज है जिस पर दामाद जी नाचेंगे? अरे राम श्री राम। ओहो पन्ना, पंडित जी के कहने का ये मतलब है कि जैसा अपनी बेटी चाहेगी वैसे ही करेंगे दामाद जी। अरे राम श्री राम। क्यों पंडित जी? अच्छा तो ये बताइए कि अब हमें करना क्या है? आप अपनी बेटी की शादी कुली से करा दीजिए। क्या कुली? साहब अपनी ड्यूटी तुमसे है, साहब अपनी कमाई, क्योंकि मैं हूँ ट्रेन कुली और मैं बस का कुली, मैं हूँ ट्रेन कुली, 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 मैं बस का कुली, मैं हूँ ट्रेन कुली। हाय हाय हाय, लगता है चाचू भगवान ने इनको बड़ा फुर्सत से बनाया। देखा तो इनकी आंखें तो देखा। वाह बेटा वो। अरे यार बीच में टांग काहे को उड़ाते हो, देख नहीं रहे हम लड़की को देख रहे हैं? वाह 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 वाह, क्या आंखें हैं इसकी, क्या नाक है और क्या होंठ है। वाह वाह वाह, इसको तो मैं अपने कलेजे से लगा के रखूंगा। बहुत अच्छे।
अरे बेटा 10 मिनट हो गए फोटो देखते हुए, क्या फैसला किया तूने? क्या बात करते हो चाची, 10 मिनट क्या, 10 जन्म तक देखते रहने को दिल करता है। तो फिर मैं रिश्ता पक्का समझूं? हाँ। तो फिर ठीक है, कल तू सूट बूट पहनकर 10 बजे बंगले पर आ जाना। चाचू कल? हाँ। अभी नहीं। अबे सबर कर, सबर का फल मीठा होता है। क्या बात करते हो चाचू, फल मीठा हो या खट्टा, खाना तो है। हमारी होने वाली बीवी है भाई, कैसी है? बड़ी मस्त मस्त है। शनो दीदी, शनो दीदी। क्या बे? आप लुट गई, बर्बाद हो गई, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अबे शक्ल अच्छी नहीं है तेरी, बात तो सही कर लिया कर। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, और मुझे ही ना पता चला पीकर तो नहीं आया तू। नहीं दीदी नहीं, वो टीसी और बीसी है ना। क्या हुआ, मर तो नहीं गए? हाय राम, शादी से पहले विधवा तो नहीं हो गई? नहीं दीदी नहीं। फिर उन दोनों के हाथ में एक ही लड़की की फोटो, और ऐसे देख रहे थे जैसे हारा हुआ नेता कुर्सी को देखता है। लड़की की फोटो? हाँ दीदी। कहाँ है वो लोग? वो आ रहे दीदी। तू पार्क में क्यों नहीं आया? अबे बड़े आया तो था, आप ही नहीं आए थे। क्यों झूठ बोल लिया? क्यों बे सालो, इस लड़की की बात कर रहे हो तुम दोनों? राम राम राम, लड़की लड़की का नाम लेना तो हमारे लिए पाप है। अच्छा तो सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। वो कौन थी जिसकी फोटो देख रहे थे? कब कहा किसने देखा? इसने देखा, पहले की मार भूल गया साले। इस बार बिल्कुल सही कहा, पता है साले किसे कहते हैं? किसे? जोरू के भाई को। आई? ये तो हर साला हर किसी को बोले। चल चल चल, पत्ती मत दिखा, फोटो निकाल फोटो। ये ले। अबे माधुरी, अबे इसके पीछे तो पहले भी तुम दोनों पड़े हुए थे। अरे वो हम नहीं थे, हमारे डुप्लीकेट थे जो बड़े मियाँ छोटे मियाँ में माधुरी के पीछे पड़े थे। अबे सालो, जब उन ओरिजिनलों की ना हुई तो तुम डुप्लीकेटों की क्या होगी बे? उम्मीद पे दुनिया कायम है। इधर आ, फोटो ला। चन्नू दीदी, मुझे तो कुछ दाल में काला लगता है। अबे यार मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है, मैं भी पता लगा के रहूंगी कि वो लड़की कौन है। याद आया, बताया था मामा जी ने शायद तुम दोनों के बारे में बताया। देखिए ऐसा है, मेरा मतलब है सुनिए। सुनाइए। मेरी जन्म कुंडली में लिखा है कि मेरी किसी कुली से शादी होने वाली है। कुली तो हूँ मैं, कुली हूँ मैं अबे मैं शहंशाह, मैं राजा बाबू। अरे बाबा आप सब कुछ हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि तुम दोनों में से किसी एक के साथ शादी करने का मुझे क्या फायदा होगा? मैं फायदा? देखिए अगर आपके घर में बावर्ची हो तो उसे निकाल दो, हम अपने हाथों से पका कर खिलाएंगे। वेज नॉन वेज साउथ इंडियन सब कुछ। अगर आपके घर में ड्राइवर हो तो उसे भी निकाल दो, हम अपने हाथों से गाड़ी चलाएंगे। अगर आप लॉन्ड्री में कपड़ा देती हो तो मत दीजिए, हम अपने हाथों से प्रेस करके आपको पहनाएंगे। उसके अलावा जूता पॉलिश झाड़ू पोछा वगैरह वगैरह। और अगर मैडम अगर आप शॉपिंग करने जाती हैं
तो सामान उठाने की कोई जरूरत नहीं है, हम सामान उठाएंगे क्योंकि हम लोग पहले से ऑलरेडी खुली हैं। और मैडम हमारा एक सपना है, हम जोरू के सबसे बड़े गुलाम बने। बट आई डोंट लाइक जोरू का अगला, मुझे तो एक ऐसा पति चाहिए जो मेरे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आप ही ने तो कहा था कि कुत्ता चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस कर रहा है। ऑलराइट, लेकिन ऐसा है, अभी मैं मिली हूँ आपको, मैं चाहती हूँ कि आप दोनों मुझे मिलो ताकि कुछ बातचीत हो सके, मैं आप लोगों के बारे में कुछ जान सकूं, तभी मैं फैसला कर पाऊंगी कि मैं तुम दोनों में से किसे पसंद करूं। ठीक है, चल छोटे चल बड़े। थे क्या बात करते हो चाचू? मैं अपने दोस्त के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। और मेरे साथ गद्दारी कर सकता है? भूल गया वो दिन जब तू आत्महत्या करने जा रहा था? याद कर, जरा फ्लैशबैक में जा। आप हट जाइए, मुझे कूदना है। जरा जोर से बोलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आप लोग हट जाइए, मुझे कूदना है। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। भाई लोग आप हट जाइए, मुझे कूदना है। एक मिनट, क्यों चिल्ला रहा था तू? अरे भाई मुझे नीचे कूदना था, अगर मैं आप पे कूदता तो आप मर जाते, मैं बच जाता। अबे इधर से कूदना जरूरी था, उधर से नहीं कूद सकता था तू? खामखा इतनी ऊपर चढ़वा दिया मुझे। सॉरी भाई साहब, सॉरी सॉरी। हे भगवान, मुझे इस दुनिया में नहीं जीना। ए, क्या कर रहा तू? आत्महत्या। आत्महत्या क्यों? आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने मेरे को कहीं देखा है? लगता है तेरी शक्ल कुछ कुछ फिल्म स्टार गोविंदा से मिलती है। हाँ हाँ, मैं डुप्लीकेट हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। लोग तेरा मजाक उड़ाते हैं, तू इसलिए मरना चाहता है? हाँ। बेटा जो टीप टाप होकर नाचना गाना जानते हो, फाइटिंग करना जानते हो, जो दूसरों का मजाक उड़ाते हो, वो हीरो नहीं होते। हीरो तो वो होते हैं जो अपना गम अपना दर्द छुपा कर दूसरों को अपने आप पर हंसाते हो। अरे दुनिया से लड़ना सीख, अगर कोई तेरा मजाक उड़ाता है तो तू कह हाँ मैं डुप्लीकेट हूँ, चल मेरे साथ, आज से तू एक नई जिंदगी शुरू करेगा। मैंने तुझे रहने को जगह दी, तुझे काम दिलाया, और तूने ही तो कहा था कि जो इस शहर में रहने को जगह दे उसका एहसान नहीं भूलना चाहिए, और वो तेरा दोस्त वो मुझे पहले से ही पसंद नहीं है, तू देखना वो एक दिन तेरी पीठ में छुरा भोंक कर चला जाएगा। क्या बात करते हो चाचू, एक लड़की खातिर मैं अपने दोस्त से गद्दारी करूं? सारी दुनिया हमारी दोस्ती की कसम खाती है। अच्छा तो अब दोस्त तेरे लिए जरूरी हो गया, और मैं कुछ भी नहीं। अबे बुरे वक्त में मैंने तुझे सहारा दिया था, तेरे दोस्त नहीं। याद कर, बात करते हैं। साहब कौन है भाई? हम को नहीं पहचाना साहब आपने, हम अमिताभ बच्चन। वो क्या है अंदर, अमिताभ बच्चन की शूटिंग चल रही है, हमने सोचा उनसे मिलते चलें और आप हमें अंदर जाने दीजिए। सर एक एक, एक मेरा डायलॉग सुनिए आप। वाह क्या डायलॉग है साहब, आज खुश तो बहुत होंगे आप, जिसने आज तक तुम्हारे सामने कभी अपना सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक तुम्हारे सामने कभी अपना हाथ नहीं फैलाया, वो आज हाथ जोड़कर आपसे कह रहा हमको अंदर जाने दो साहब, प्लीज हमको अंदर जाने दो साहब। अबे चुपचाप रह, यहाँ से चले जा, यहाँ रोज रोज आते हैं ऐसे। अंदर जाके कहेगा कि अमिताभ जी आप घर पर बैठो और मैं आपकी जगह काम करूंगा,
चल भाई यहाँ से। अरे साहब आपके बच्चे जी एक बार हमको देख रहे तो साहब हमको दीवाने हैं साहब, कैसी बात कर दी आपके बल बच्चे जी साहब। अबे जा रहा है, अरे जा रहा है थर्ड डिग्री। अरे साहब हमको जाने दो ना साहब प्लीज। अरे अरे नहीं नहीं। अरे 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 हेलो सर। सर कौन हो? सर सर मैं अमिताभ बच्चन की बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूँ सर। तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया? सर आपको कौन नहीं जानता सर, सब लोग जानते हैं, बहुत बड़ा नाम है सर। सर मैं आपको अपनी अमिताभ बच्चन की एक्टिंग दिखाना चाहता हूँ सर, से एक बार मेरी एक्टिंग देख लीजिए सर। मैं आपके पास मिलने के लिए आया हूँ सर। सर एक एक्टिंग देख ली जरा आप तने की, जरा अपनी खिड़की खोलेंगे हमारी तारीफ जरा लंबी है। बचपन से सर पे अल्लाह का हाथ अल्लाह रखा है अपने साथ। बाजू पे 786 का बिल्ला बीड़ी पीता हूँ 30 नंबर की। काम करता हूँ कुली का और नाम है इकबाल। चुप। अरे नहीं साहब एक एक, एक, एक डायलॉग और सुनिए सर, ये डायलॉग बहुत अच्छा है सर। देखो मियां करजू तुम्हारी घुड़िया हो गई है जवान, इससे पहले के उसके पैर ढक मंगा जा, पैर पीले कर दो, पर बाद में कर हमसे मत करना लटके रह जाओगे। अब साहब मेरी बात सुनिए सर, मैं बहुत अच्छी। चलिए चलिए देखिए सर एक बार मौका दे दीजिए सर मुझे, सिर्फ एक सर बाहर चलिए सर। सर मैं बाहर चलिए सर, मेरी बात सुनिए सर, एक काम दे दीजिए ना सर। सर अरे सर पता नहीं कहाँ कहाँ चले आते हैं। मैंने तुझे सहारा दिया और तूने ही तो कहा था कि चाचू मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ, लेकिन मुझे तेरी जान नहीं, मुझे तेरा साथ चाहिए बेटा, और मैं तुझे अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। क्या तू अपने चाचू का इतना सा सपना पूरा नहीं कर सकता? लेकिन लेकिन चाचू मेरा दोस्त है। अच्छा जी वो दोस्त है और मैं दुश्मन, और ठीक है तेरी मर्जी, मैं चला। अरे चाचू मेरी बात सुनिए। यार छोटे। हाँ बड़े। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों की जिंदगी में अगर कोई लड़की आएगी तो दोस्ती में दरार पड़ जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि हम लोगों की जिंदगी में कोई लड़की नहीं आए, दरार ना पड़े। बात तो ठीक है बड़े। हाँ मैं तो भैया सुबह सुबह चाचू के घर जाकर उनसे कह दूंगा कि भैया लड़की की शादी कहीं और कुली से करा दो, समझ गए? बात तो ठीक है, पर एक बात है यार, लड़की जो है बहुत खूबसूरत है। पर बड़े है? एक बात तो है, है? यार जब भी हम किसी से मिलते हैं तो लोग हमें डुप्लीकेट कहते हैं, बहुत बुरा करते हैं यार। यार पर उसने नहीं कहा? उसने नहीं कहा? हाँ ऐसा क्या? हाँ पक्का? अच्छा ए, बा, 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 एक पप्पी दे बीड़ी ले नमस्ते माँ जी। नमस्ते। चाचू कहते हैं? हाँ है, आइए ना। अरे अमित कहाँ था तू? मैं तेरा इंतजार कर रहा था, अभी मैं घर से ही आ रहा हूँ। इतना बड़ा धोखा और वो भी मेरे साथ। कैसा धोखा चाचू? तूने बताया ना कि तेरी गांव में शादी हो चुकी है और तेरे 3-4 बच्चे भी हैं। कैसी बातें कर रहे हैं चाचू, मेरी शादी कहाँ से हो गई? मैं तो अभी कुंवारा हूँ। झूठ बोलता। आज तेरी पत्नी मुझे रेलवे स्टेशन पर मिली, पता पूछ रही थी, मैं उसे साथ में लाया हूँ। क्या बात कर रहे हो? आ भाई। प्रभु प्रभु क्या यार ये? आपके पिताजी ने आपको घर से निकाला, इसमें मेरा क्या दोष? आपने दूसरी शादी करने का फैसला भी कर लिया, मेरा क्या है? मैं तो अपनी जान दे दूंगी, मगर मेरे छोटे छोटे बच्चे इन्हें कौन देखेगा? ए औरत बहुत हो गया नाटक, मैं जानता हूँ मेरा दोस्त को आ रहा है, सच सच बता वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा साली। गाली नहीं देने का? तुमने अपन को नाटक करने को बोला, अपन ने नाटक किया, वैसे भी अपने ने पैसे नाटक करने के लिए नहीं है, गाली खाने के लिए नहीं लिए। ए किसने पैसा दिया तुझे? ठीक ठीक तरीके से मुझे तू ये बता, तुझे पैसे किसने दिए थे? किसी ने नहीं दिए साहब। सच सच बता वरना कालू दौड़ दूंगा। मुझे सच सच बता कि किसने पैसे दिए थे? बताती हूँ, ये अपने को बोला था 10,000 रुपए देकर तेरी नकली बीवी बनने का नाटक करने के लिए। इसने? बड़े झूठ बोल रही है ये झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है? तुझे मैंने अपना दोस्त समझा? मैंने तुझे क्या समझा?
एक दोस्त की तरह तुझे मैंने अपने गले से लगाया, तूने तो यार बहुत काम करा, थक गया भाई। अरे छोटे चाचू आप पूछ इस औरत से, ये सारा नाटक तेरे दोस्त अमित का रटाया हुआ था, मेरे भाई हीरालाल का नहीं, समझा? क्या बात करते हो? अबे काय का झूठ बोलता है, है? मैंने कुछ नहीं किया, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, बता इनको। नहीं साहब, यही बोला था अपने को तुम्हारा नाम लेने को, ये झूठ बोल रही है। अरे यार ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं यार। चाचू मुझे माफ करना, आपने ठीक ही कहा था, मेरे ही दोस्त ने मेरी पीठ पे छुरा घोंपाया। अब मैं आपकी भांजी का दिल जरूर जीतूंगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। बेटा अगर सुबह का भूला रात को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। हेमा अपनी सहेलियों के साथ सेंटर पॉइंट पर खाना खाने गई है, जा जाकर जीत ले उसका दिल। क्या बात करते हैं चाचू, जा बेटा जा। अभी जाते हैं। आला आला मैं सबसे आला, आला आला मैं सबसे आला, मैं तेरा गोविंदा, तू मेरी मधुबाला, तू मेरी मधुबाला, तू मेरी मधुबाला, तू मेरी मधुबाला। राजा रे राजा मैं दिल का राजा, राजा रे राजा मैं दिल का राजा, तू है मेरी रानी, मेरी बाहों में आजा, ओ मेरी बाहों में आजा, तू मेरी बाहों में आजा, ओ मेरी बाहों में आजा। तुम जैसे है जाने कितने, तुम जैसे है जाने कितने, अरे ओ लंबू, अरे ओ ठिगने, कहा कि तुम गोविंदा, कहा कि तुम हो राजा, कहा कि तुम गोविंदा, कहा कि तुम हो राजा, मैं बजा दूंगी आज
लौटा दूंगा जाना, अगर तुम मान जाओ जान भी मैं लुटा दूं, अगर तुम मान जाओ जान भी मैं लुटा दूं। सारे आशिक एक जैसे, तुम भी हो बस उनके जैसे, क्या तुम बनाओगी रानी? अरे चल रे राजा, ओ रे बटले राजा, ओ रे चल रे राजा, ओ रे बटले राजा। हाँ आला आला मैं सबसे आला, आला आला मैं सबसे आला, मैं तेरा गोविंदा, तू मेरी मधुबाला, तू मेरी मधुबाला, तू मेरी मधुबाला, तू मेरी मधुबाला। राजा रे राजा मैं दिल का राजा, राजा रे राजा मैं दिल का राजा, तू है मेरी रानी, मेरी बाहों में आजा, ओ मेरी बाहों में आजा, तू मेरी बाहों में आजा, ओ मेरी बाहों में आजा। तुम जैसे है जाने कितने, तुम जैसे है जाने कितने, अरे ओ लंगू, अरे ओ ठिकने, कहा कि तुम गोविंदा, कहा कि तुम हो राजा, कहा कि तुम गोविंदा, कहा कि तुम हो राजा। मैं बजा दूंगी आज दोनों का बैंड बजा, दोनों का बैंड बजा, दोनों का बैंड बजा, दोनों का बैंड बजा। अरे जी आपने मुझे माफ कर दिया, इससे बढ़कर मेरे लिए क्या है? अरे छोड़िए ना वो सब बातें। ओ माय गॉड, क्या मैं अपना पर्स अंदर भूल आई? एक मिनट ठहरे, मैं लेके आता हूँ। हाँ प्यार का पुजारी, मुझे प्यार चाहिए। अरे आप जी, मैं आपका दोस्त अंदर था वो? हाँ दोस्त अंदर है, उसको कुछ हो गया है, कुछ तबीयत खराब हो गई है, तो आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको ड्राइव कर देता हूँ, ऐसी क्या बात है। नहीं उसको डॉक्टर के पास ले चलते हैं ना। नहीं छोड़ो ना डॉक्टर, मत मैं आपको रिसीव कर देता हूँ, आइए। ओके मेरे पास। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ओए छुट्टा नहीं है, निकल। अब भीख नहीं मांग रहा हूँ, याद है इसी जगह पर तू भीख मांग रहा था, ए भाई कोई मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दे दो भाई। देख बच्चू कुछ भी हो जाए, ए मांगो तो अपनी दुल्हन बना के मैं ले जाऊंगा। अच्छा बच्चू, चेहरे पे बुढ़ापा झलक रहा है और दिल पे जवानी भड़क रही है। बूढ़ा हुआ तेरा बाप। अब तूने मेरे बाप को गाली देकर अच्छा नहीं किया, याद है इसी जगह पर हमने अपनी दोस्ती का ऐलान किया था, और आज इसी जगह पर अपनी दुश्मनी का ऐलान करता हूँ। ठीक है, दुश्मनी जो है स्वीकार करते हैं, ऐसा मारूंगा कि जोर का झटका धीरे से लगेगा। अबे लावारिस, ये तेरा डायलॉग बहुत पुराना हो गया कि जोर का झटका धीरे से लगे, इस राजा बाबू का डायलॉग सुन, धीरे से मारूंगा जोर का लगेगा। ठीक है बच्चू, मैं तो जो देख लो, लेकिन अभी नहीं, इंटरवल के बाद, समझा? देख लेना। दीदी चैन गोली बस गोली में गैंगवार हो गई। क्या वो उस लड़की के लिए? हाँ। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ए सन्नो रानी, ऐसे आगे फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? जब भी हमको देखती है ना, इसके दिल में कुछ कुछ होता है। इसे तो आज बहुत कुछ हो रहा है। ये दोस्ती हम नहीं। दीदी बोल, मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है ये दोनों कोई ना कोई नाटक कर रहे हैं। तो आज मैं देखती हूँ। ये
ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे। चुची अब मुझे एक कपड़े लॉन्ड्री में देने पड़ेंगे। क्यों, किसी के मैयत से आ रहा क्या? अबा मैयत से नहीं, तूने जो सुलिया इसलिए। अबे ओए ये कपड़े उतार के मैं किसी भिखारी को दे दूंगा तो उसको भीख भी ना मिलेगी, क्योंकि तूने इसको छू लिया है। अबा मेरे ही घर में रहता है और मुझे भिखारी कहता। अबे ओए डिपॉजिट दिया है, भाड़ा तो 3 साल से मैं ही भर रहा हूँ, समझा? जिस दिन मैं हेमा से शादी करूंगा उस दिन तेरे को रखूंगा मैं चौकीदार। अब हेमा तुझे से बूढ़े से नहीं, मुझे से बाकी जवान से शादी करना पसंद करेगी। और तेरी सही समय पर शादी हो जाती ना तो और तेरी बेटी की बेटी होती और तू होता नाना। अच्छा बच्चू, हमसे ही नाटक? वो तो कहो कि बस्ती के अंदर हम लोगों की दोस्ती की इज्जत बहुत ज्यादा है, इसलिए तेरे साथ दोस्ती का नाटक करना पड़ता है। और सुन, आज के बाद इस घर में आधा हिस्सा तेरा और आधा हिस्सा मेरा है, समझा? हाँ चल, समय पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। क्या करेगा, बहुत मारूंगा तेरे को नाटक करके मुझसे बात। अरे साले हे भगवान, एक बात बताइए, आपने हमें भेजा राज जैसी शक्ल दी, अकल दी, अंदाज दिया, लेकिन साला इन जैसा किस्मत का है नहीं दिया। क्या हो विजय भैया, आज हमें इस शहर में आए पूरे 5 साल हो गए, लेकिन 5 साल में साला एक ब्रेक नहीं मिला। अरे ब्रेक तो ब्रेक, अब ब्रेक फास्ट नहीं मिला। अब लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे, बहुत कुछ कहेंगे। विजय भैया आप? अरे उधर नहीं, इधर, मैं गोविंद। अरे गोविंद भाई आप? अरे यार तुम कुछ लेते क्यों नहीं? अरे क्या है भैया, अब ले तो हम बहुत कुछ लें, लेकिन क्या है कि पैसे नहीं है ना। इसीलिए तो कहता हूँ कि डुप्लीकेट की कुर्सी से उतर यार, कुछ काम कीजिए। तू मेरी एक बात क्यों नहीं मानता है? क्या तू नेता क्यों नहीं बन जाता? नेता? अब हम अभिनेता हैं, क्योंकि अभिनेता ही बम्बई में पाए जाते हैं। बम्बई एक बड़ा शहर है, बड़ा शहर तो हमारा दिल्ली भी है। दिल्ली में चश्मे अच्छे बिकते हैं, चश्मा हिंदी में झरने को कहते हैं, झरना कश्मीर में पाया जाता है, कश्मीर एक खूबसूरत जगह है। वफादार तो कुत्ता भी होता है, कुत्ते की दुम टेढ़ी होती है, टेढ़ी दुम को सीधा करने के लिए खड़क सिंह को ब्रेक दो, क्योंकि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह, खड़क सिंह। मेरे बाप मेरी बात सुन, देख मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूं। क्या खाना? अरे गोविंद भाई आप बहुत अच्छे हो, लेकिन लगता है आपको हमसे कोई काम है। अरे यार तुझे कैसे पता? देख क्या है, एक ही बिरादरी के जो है ना यार, रिश्ते में तो फिर हम भाई भाई हुए। हाँ यार तुमसे काम है। बोलो। हेमा जी आप शादी से पहले विधवा हो गई? क्या? नहीं, मेरा अमीर नहीं मर सकता। अरे हम उस इडियट की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम तो वो गोविंद की बात कर रहे हैं। अच्छा वो बस को ले? हाँ। क्या हुआ उसे? अरे हम वो इस दुनिया में नहीं रहे। ओ माय गॉड, क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ? अरे उस ट्रेन कुली ने उन्हें मार के रेलवे लाइन पे लगा दिया। दो टुकड़े होने के बाद भी हेमा, हेमा। इडियट, मरने के बाद भी कोई बोलता है? अरे प्यार में सब कुछ हो सकता है माँ जी। माँ जी? अरे मेरा मतलब है हेमा जी। क्या हुआ कि जब हमने कहा ना मैसेज दूंगा तब जाके कहीं प्राण छोड़े हैं, अभी अभी हम उनका अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं और यहाँ पार्क में उनका एक पुतला बनवा के आ रहे हैं। अब हमारी ये तमन्ना है कि आप एक बार जाके उन्हें अपने दर्शन दे दें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। ओह नो नो नो, मुझे आत्मा से बहुत डर लगता है, कहीं वो यहाँ ना आ जाए। चलो 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 चलो। देखिए कैसा मुस्कुरा रहे हैं। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लगता है अभी बोल पड़ेगा। अच्छा लगा रहा है बेटा। किसने बनाया ये पुतला? भगवान ने। भगवान ने? अब मेरे कहने का मतलब ये है, जिस आदमी ने ये पुतला बनाया उसका नाम भगवान है। ओह अब ठीक है, अब तुम बीच में मत बोलना, मुझे सिर्फ बसकुली से बातें करनी। बसकुली तुम मुझे पहली नजर में अच्छे लगने लगे थे। तो पहले क्यों नहीं बोला? मैं कितनी
बार कहा कि बीच में नहीं बोलते, अब चुप रहना। हमारे ही फिल्म के डायलॉग चुराता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस कुली, अगर तुम आज जिंदा होते तो। हेमा जी, मैं बहुत खराब आदमी हूँ। मैंने अपने दोस्त को मार डाला। अब इसकी अंतिम इच्छा पूरी करने के बाद मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। बस साले, मैंने कौन सी अपनी अंतिम इच्छा बताई थी? मेरे दोस्त ने जीती जी मुझसे कहा था कि मेरी कब्र पे जाकर सांप चढ़ा देना। अब मैंने कब बोला था? तो यहाँ क्या कर रहा है? कब्र पे जा। कब्र पे गया था, वहां से आवाज आई कि मेरे पुतले पे हाथ नहीं, सांप चढ़ाना। अरे नहीं नहीं, सांप से तो उन्हें बहुत डर लगता था। अबे दोस्त, मैं हूं या तू है? हे भगवान, अगर गोविंद हेमा का प्यार सच्चा है तो गोविंद को जिंदा कर दे। अबे यहाँ प्यार की बात कहाँ हो रही है, दोस्ती की बात हो रही है। देख मैं क्या करता हूँ। हेमा जी, देखा आपके प्यार ने मुझे जिंदा कर दिया। अबे हेमा के प्यार ने नहीं, हमारी दोस्ती ने जिंदा कर दिया। क्यों हेमा जी? बस कुली, ट्रेन कुली बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब तुम दोनों ना अपनी अपनी दुश्मनी भुला कर गले लग जाओ। अच्छा लग जा गले। अरे तू एक काम करे यार, ज्यादा मत बोला कर, ये 10 रुपया पकड़ और बड़ा पाव खा के आ। चल निकल निकल। बाबड़े बिरयानी देख मुझे मारा चकार खाओ भी। और जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीबी मोटी। अरे हमारी हेमा तो पतली है भाई। साहब मैडम ने कहा है खाना खा के आप टेरेस पे आ जाइए, वो आपका इंतजार कर रही है। हेमा जी से कहिए कि हमारे हैं, थोड़ा खा पी लेना है। ठीक है निकल। ला 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 ला। मजा आ गया। वेरी गुड। अरे भाई ये हेमा कहाँ है? ऊपर टेरिस पे। ऊपर? अरे तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? आते हैं। अरे आप अंगूर खाइए। जी हेमा जी, थैंक यू। हेमा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दरअसल छोटी सी बात है मेरे दिल में जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कहिए। बात यह है कि अंगूर खाइए। जी बात यह है कि मैं आपसे जो बोलिए ना अंगूर। हाँ, मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ वो ये बात है कि क्या हुआ? नहीं नहीं, नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं। सिर्फ यहाँ खड़े रहिएगा प्लीज। है ओके, सो स्वीट। हम्म,
जी गिर गया। कोई बात नहीं, दूसरा। नेहा जी मैं क्या कहना चाह रहा था आपसे, मैं ये कहना चाह रहा था कि कुछ कह रहे थे आप? हाँ कहना चाह रहा था मैं आपसे कुछ। अंगूर खाइए ना फिर। जी खा रहा हूँ। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मैं आपसे जो है बोलिए ना। आप खड़े रहिएगा, मैं भी आया। मैं एक मिनट। अंगूर? नहीं अंगूर बहुत खा लिए मैंने। मैं आपसे जो कहना चाहता हेमा जी, ये कुछ अपने दिल की बात बोलना चाह रहे थे। हाँ। अबे बोल दे। बाद में बोलता हूँ। अबे बोल दे नहीं तो लेट हो जाएगा, बोल दे। अबे हेमा जी कुछ बोलना चाह रहे थे ये। अबे बोल दे अपने दिल की बात। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत तो क्या, एकदम फर्स्ट क्लास। तो फिर अंगूर खाइए। क्यों नहीं, जरूर। ये दोस्ती हम ही तोड़ेंगे, और तोड़ेंगे ये दोस्ती। गुड मॉर्निंग हेमा जी। गुड मॉर्निंग हेमा जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? ठीक है, ठीक है। कहाँ जा रही हैं आप? अपनी क्लासेस। और उसके बाद? उसके बाद हमारे साथ में सिनेमैक्स में डोंट डिस्टर्ब देखने जा रही हैं। अबे क्या बात कर रहा है, वो मेरे साथ जा रही है फैम एटलम में अलाउद्दीन देखने के लिए। वो तो तुम जैसे बच्चों के लिए, हम जैसे बाकी जवानों के लिए नहीं। अरे बाबा रुको रुको रुको, मैंने दोनों फिल्में दो दो बार देख रखी है। अरे बाबा दोबारा भी देख सकती हूँ। अच्छा हाँ। लेकिन हमारे पास तो अलग अलग थिएटर के दो टिकटें हैं। हाँ। लेकिन थिएटर तो पास पास है ना? हाँ, पास पास, बिल्कुल पास में है। पहले इंटरवल के साथ इनके साथ। अच्छा, फिर इंटरवल के बाद आपके। क्या बात कर रही हैं? ठीक है। बताया नहीं इतनी अच्छी गिटार बजाते हो। छुपे रुस्तम निकले। I'm very impressed. Thank you. लगता है मेरा गिटार सीखना जो है सफल हो गया। How sweet. अच्छा लड्डू खाओ। किस बात के लड्डू? Actually मेरे कॉलेज में डांस कंपटीशन हुआ था और उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है। सच्ची? हाँ। मुच्ची? मुच्ची। I don't believe this. फिर तो मैं दो लड्डू लूंगा। दो क्यों? एक मेरे लिए, एक मेरे भगवान के लिए। ओके लाओ ना। अच्छा बसकुली का भी खिला देना। हाँ बिल्कुल खिला दूंगा। बाय 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 डैडी जी हरारी। अबा बेसुरा ढोल, कभी तेरा अब्बा ने भी गिटार बजाया? ला मुझे ना। हमारे अब्बा तो इंदौर में बिजनेस करते हैं। हाँ बाबा इंदौर में बिजनेसमैन है और तुम यहाँ गिटार बजा रहे हो? अब यार मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, खुद समझ रही थी। तुम्हारे मुंह पे तो ताले लगे थे ना, कह नहीं सकते कि गिटार मैं बजा रहा था। अब इतना बड़ा बेवकूफ भी नहीं हो, माफ करना है कि मैं कह दूं कि गिटार तू बजा रहा था। कितने खुश होके गई है, कितना इंप्रेस्ड होके गई है। और माफ करना ये तेरे ये तीन देवियों को जो फोटो लगा हुआ है, इनको देख कर तो वो छी छी करके गई है। मैं कहता हूँ तू मेरे सामने मत आया कर। क्यों नहीं आया करूँ, मैं प्यार करता हूँ तो इस तरह की बात मत करना। करते हैं अब बड़े कहाँ चले? ये हमसे पूछा कि कहाँ चले? अरे भैया फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं, लव आजकल रिलीज हुई है, हेमा जी ने देखी नहीं थी तो हमने सोचा इनको दिखा दे। तुझे काहे को जलन हो रही है? कहाँ बात करते हो, तुम्हारी तबीयत तो खराब थी।
रिपोर्ट भी डॉक्टर के पास छोड़ा है। रिपोर्ट? कौन सी रिपोर्ट? जरा इधर आना। अब ये क्या नाटक है? अब नाटक नहीं, फिल्म चल रही है, पोस्टर तो देख ले। ये क्या है भाई? हमारी जरा इनकी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। हाँ, मेरी तबीयत खराब है, अचानक मेरे पेट में फुल्लर फुल्लर सी हो रही है, तो मैं अब टिकट तो देख लो बस। अरे तेरे को अब साले गाली मत दे, मैं तो पोस्टर हेमाजी को दिखा दूँ। इस घर में आना तो क्या है? इस घर की तरफ आँख उठा के भी नहीं देगा क्या? अब पैसे चाहिए? अब इसमें शर्माने की क्या बात है? ये ले। हाँ ठीक है ठीक है, जाओ। चलिए मैडम, शो का टाइम हो गया। ओके अच्छा हम चलते हैं, दवाई ज्यादा से ले लेना। बाय। हाँ जा रहा है तुम जाके फिल्म देखो, और हेमा इस तरह थोड़ा दूर बैठ।